जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी हम इस कच्चे आम से बनाएंगे। हम बना रहे हैं कच्चे आम का सीरा। तो सबसे पहले हम इन कैरियों को अच्छे से छील लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से पील कर लिया है। अब हम इनके छोटे छोटे पीसेस बना लेंगे। सारे आप कैसे भी पीसेस बना सकते हैं, बड़े छोटे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं। अब हम लेंगे एक पैन और हम लेंगे एक कप शक्कर। आप जितने आम ले रहे हो उसके हिसाब से आपको शक्कर लेनी है, और एक कोई भी एक मेजरिंग कप ले लीजिए। इस पैन में हम डालेंगे शुगर, और इसी कप से सेम मैं पानी डालूंगी दो बार, क्योंकि मुझे सीरा बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसलिए। अब हमें इसे अच्छे से शक्कर को घोल देना है और अच्छे से बॉईल करना है। ये देखिए, बॉईल आ चुका है। अब हम इसमें अपनी जो हमारी कटी हुई कैरिया थी इन्हें डाल देंगे और अच्छे से इसे बॉईल होने देंगे। इसे मैं ढक के रख दूंगी ताकि ये जल्दी से बॉईल हो जाए। ये देखिए, इसमें बॉईल आ गया है। ढक्कन ढक दीजिए। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है। हमें तब तक पकाना है इसे जब तक ये इस तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते। ये मेरे ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। मैं इसे चाकू से भी कट करके आपको दिखा रही हूँ। ये लगभग पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नारियल, इलायची डाली है। आप चाहे तो काजू बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चिरौंजी जो आती है ड्राई फ्रूट्स वाली, वो भी आप डाल सकते हैं। हमारा सिरप बनके एकदम रेडी है। तो हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे ठंडा होने देंगे हम। चाहे तो आप इसे एज अ स्वीट डिश भी खा सकते हैं गर्मा गर्म, या आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी पराठों के साथ। जैसा चाहे आप वैसा खा सकते हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।